नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित इस धर्म संवाद के विशेष कार्यक्रम में मैं श्री गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम सभी कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी के लिए आधुनिक विज्ञान के पास कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसे संकट की स्थिति में स्थिर रहने के लिए केवल अध्यात्म ही हमें आत्मबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। अनेक देशों के डॉक्टर योग ध्यान के साथ ओंकार का भी जप करने लगे हैं। आज संपूर्ण विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर उसको जीवन में उतारना होगा। इसी अध्यात्म की खोज इस धर्म संवाद में हम कर रहे हैं। अभी तक हमने वर्तमान काल में आपत्काल ये क्या है, अध्यात्म क्या है, सुख और दुख क्या है, ये विषय इस धर्म संवाद में समझ कर लिए। साथ साथ पितृदोष और वास्तुदोष ये क्या होता है और इन पर उपाय योजना क्या है, यह भी हमने समझ कर लिया। श्री रामनवमी, श्री हनुमान जयंती ऐसे पर्वों के विषय में भी हमने इस धर्म संवाद में विस्तृत चर्चा की। आज भी हम गुरु इस विषय पर धर्म संवाद में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वह हम तक अवश्य पहुंचाएं। यथासंभव हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। आइए, इस धर्म संवाद में हम आधुनिक विज्ञान में गुरु की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर जानकर लेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश जी उपस्थित हैं। हम सभी पूजनीय नीलेश सिंहवाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम संक्षिप्त में हम पूजनीय नीलेश जी के विषय में जान के लेते हैं। पूजनीय नीलेश जी, आप व्यवसाय से समुद्री जहाज निर्मिति क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास में रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। आइए, इस धर्म संवाद का प्रारंभ करते हैं। कल के धर्म संवाद में हमने तनाव के कारण और उसके निवारण हेतु क्या प्रयास करें, यह जानकर लिया। आज के धर्म संवाद में गुरु संबंधित विषयों पर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। वर्तमान वैज्ञानिक युग होने के कारण अनेकों को लगता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है, क्या आप हमें इस विषय में बताएंगे? जरूर। अध्यात्म में एक वाक्य है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, और ये एक वास्तविकता है। पर जिनके भी मन में ये प्रश्न आता है उनके लिए मेरा भी एक प्रश्न है, यदि विज्ञान ही जीवन का निर्वाह के लिए समर्थ है तो मनोकामना पूर्ण करने वाले मंदिरों में भीड़ क्यों लगती है? आज समाज इतना दुखी क्यों है? व्यक्ति में, परिवार में और समाज में इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है? इसका कभी हमने विचार किया है क्या? जब हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तब हमें हमारी असमर्थता ध्यान में आएगी और हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है ये भी समझ में आएगा। हमें गुरु की आवश्यकता नहीं लगती, इसके कुछ और कारण भी हैं। विगत 73 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था से व्यवहार की जानकारी दी गई है, पर अपनी आध्यात्मिक यानी आत्मिक उन्नति के विषय में कहीं पर भी सिखाया नहीं गया है। जीवन के सम विषम स्थिति में आनंदमय जीवन कैसे जिए, जीवन के दुखों का क्या कारण है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म क्या होता है, कर्मफल न्याय क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होता है, यह कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। और यह सब सिखाने वाला एक ही शास्त्र है और वह है अध्यात्म शास्त्र।
यदि यह सिखाया जाता तो गुरु की आवश्यकता हमें जीवन में क्या है ये आज ध्यान में आ सकता था। जिन्हें जीवन में केवल खाने के लिए कमाना है या फिर कमाने के लिए खाना है तो उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यदि हमें मनुष्य जन्म मिला है और इस जन्म को मुझे सार्थक बनाना है, आनंदमय जीवन का यापन करना है, जीवन के हर घड़ी में स्थिर रहना है, तो गुरु के बिना अन्य कोई भी हमारे लिए विकल्प नहीं है। एक सर्वसामान्य उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि छोटी छोटी बातों के लिए भी हम सभी अन्यों का मार्गदर्शन लेते हैं, किसी ना किसी से तो पूछ कर लेते हैं। जैसे हमारे कोई शिक्षण व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक हमारा एजुकेशन हो तो अध्यापक को पूछते हैं, डॉक्टर को पूछते हैं। जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई अड़चन आ गई तो डॉक्टर को पूछते हैं, या न्यायिक क्षेत्र में कुछ काम हो तो अधिवक्ता के साथ हम जाके संपर्क करते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। ऐसे में जो गुरु हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं उनका महत्व कितना होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी सामान्य जीवन में हम अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं, उनके उनके अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके लेते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी जो गुरु होते हैं वही हमारे जीवन का मार्ग और मनुष्य जन्म का सार्थक कैसे करना है ये हमें सिखाते हैं। और ये गुरु का एक अनन्य साधारण सा महत्व जो है वो हमारे जीवन में है। आपने बहुत ही सरल पद्धति से हम सभी को गुरु का महत्व बताया। ईश्वर जहाँ हमें जन्म देता है वो माता पिता भी हमें गुरु के रूप में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आगे के जीवन में हम शिक्षा लेने के लिए जब बाहर जाते हैं तो वहाँ अध्यापक ये लोग भी हमें गुरु रूप में मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे समय में वही माता पिता या अध्यापक हमारे गुरु क्यों नहीं हो सकते? फिर से अलग से गुरु की क्या आवश्यकता है, कृपया यह हमें बताएं। एक अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर समाज में ये प्रश्न आता है, अनेकों के मन में प्रश्न आता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म किसी परिवार में होता है। पिछले जन्मों में जिनसे हमारा सबसे अधिक सुख दुख के लेन देन है ऐसे ही व्यक्ति परिवार के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। इसका अर्थ है कि परिवार के व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे हमारे माता हो, पिता हो या अन्य कोई भी हो, सभी यहाँ पर अपने लेन देन पूरे करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात, हमारे माता पिता से व्यवहारिक शिक्षा हो, संस्कार हो, मार्गदर्शन, इन चीज़ों में हमें मिलता है। पर जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि से क्षमता नहीं है, जिनकी साधना नहीं है, जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वे हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? और तीसरी बात यह है कि माता पिता हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इनकी या फिर आर्थिक उन्नति हो इसके लिए जीवन भर उनकी क्षमता के अनुसार प्रयास तो करते हैं, हमारे लिए त्याग भी करते रहते हैं। इसलिए व्यवहार के विषय में वो अपने अनुभवों से आपके मार्गदर्शक अवश्य हो सकते हैं, परंतु गुरु का कार्य जो है वो मन, बुद्धि और अहम के परे जाकर आपकी आत्मिक उन्नति करवाना है। गुरु आपके मन, बुद्धि और अहम का लय करवाकर आपको सर्वव्यापी ईश्वर की अनुभूति करवाते हैं। इसलिए माता या अध्यापक इन्हें मार्गदर्शक कह सकते हैं पर गुरु नहीं कह सकते हैं। अब अध्यापक का उदाहरण लेंगे। अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं वो निर्धारित समय में और केवल शब्दों के माध्यम से हमें सिखाते हैं, परंतु गुरु जो होता है वो 24 घंटे शब्द और शब्दातीत माध्यम से या इन दोनों माध्यमों के द्वारा शिष्य का सतत मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु किसी भी संकट से शिष्य को तारते हैं, जबकि अध्यापक का विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध नहीं होता।
संक्षेप में, अध्यापक और विद्यार्थियों के आपसी संबंध कुछ घंटों तक और वो भी किसी विषय को सिखाने तक ही सीमित रहता है, परंतु गुरु ये तो शिष्य के संपूर्ण जीवन को व्याप्त करता है, परंतु संपूर्ण उसका जीवन जो है वो प्रकाशित करता है। इसलिए माता पिता और अध्यापक हमारे मार्गदर्शक तो हो सकते हैं पर गुरु नहीं हो सकते। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु की व्याख्या क्या है? जो अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें लेके जाता है, यानी जो अंधकार से हमें प्रकाशमय बना लेते हैं, वही उसी को गुरु कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो ये है हमारे जीवन में गुरु का महत्व। जैसा आपने जब प्रश्न पूछा तो दर्शकों के लिए ये बहुत जानना आवश्यक है। वर्तमान में अध्यात्म के संबंध में, जैसे चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो टीवी पर हो या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में अनेक संतों के वीडियो उपलब्ध हैं, अनेक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष गुरु की क्या आवश्यकता है? अगर यदि आवश्यकता है तो फिर क्यों, ये हमें थोड़ा बताएं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। बहुत लोगों को लगता है कि हमने YouTube पर कोई कार्यक्रम देखा तो हमें अध्यात्म का ज्ञान मिल गया या हमें गुरु मिल गए। देखिए, YouTube का ऑनलाइन जो माध्यम है एवं ग्रंथों में सभी व्यावहारिक क्षेत्रों की जानकारी होती है। फिर विद्यालय क्यों जाना है? विद्यालय में भी तो विद्यार्थी जाते ही हैं। महाविद्यालय क्यों जाना है? बीमार होने पर हम स्वयं ही पढ़कर दवाई ले सकते हैं क्या? कोई अधिवक्ता हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उन्हें भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। जैसे व्यवहार में ग्रंथ उपलब्ध रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के अनुसार अधिवक्ता या अभियंता आदि सबके पास जाना पड़ता है। तो मनुष्य जन्म लेने का वास्तविक उद्देश्य तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। उससे स्वयं कैसे मुक्त हो सकते हैं? इस कारण जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले प्रत्यक्ष गुरु की हमें आवश्यकता होती ही है। हम YouTube और ग्रंथ से जानकारी तो ले सकते हैं किंतु उसे जीवन में उतारना या फिर मन की चंचलता के कारण एवं बुद्धि के निश्चय के अभाव के कारण कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि अकेले साधना करना, अपने बल पर ईश्वर प्राप्ति करना, ये बहुत कठिन बात है और आज के कलयुग में तो बहुत ही कठिन बात है। इसकी अपेक्षा आध्यात्मिक क्षेत्र के किसी अधिकारी व्यक्ति की अथवा गुरु या संत की कृपा प्राप्त कर ले तो ईश्वर प्राप्ति का जो ध्येय है या ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी शीघ्र साध्य हो सकता है। उन्हीं की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए ये कहा गया है कि ये तन विषय की बेदरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाय गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात गुरु प्राप्ति होना आवश्यक है। अब एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। जैसे ग्यारहवीं कक्षा में जाने के लिए 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, वैसे ही अध्यात्म में भी अगली अगली कक्षा जो रहती है उसमें जाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और गुरु इस विषय में आपका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करते हुए आपको आगे लेकर जाते हैं। जैसे परीक्षा देने के उपरांत हम हमारी उत्तर पत्रिका स्वयं नहीं जांचते हैं, वैसे ही हम हमारी प्रगति का आकलन ग्रंथ और प्रवचन सुनकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अध्यात्म को पढ़ने का शास्त्र नहीं या सुनने का शास्त्र नहीं तो अध्यात्म कृति का शास्त्र बताया गया है। अध्यात्म में प्रत्यक्ष कृति करने की आवश्यकता होती है और प्रत्यक्ष कृति क्या करना है ये हमें गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सीखने को मिलता है। गुरु शिष्य का ज्ञान नष्ट कर उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो इस उद्देश्य से उसे साधना बताकर उससे वो साधना करवाते हैं एवं अनुभूति भी प्रदान करते हैं। गुरु का ध्यान शिष्य के सांसारिक सुख की ओर नहीं होता है क्योंकि वो सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, परंतु
उसकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर पूर्ण रूप से होता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि गुरु की प्रत्यक्ष आवश्यकता हमारे जीवन में है। समाज में वर्तमान में धर्म के नाम पर बहुत सारा आडंबर होते हुए सभी को दिखाई दे रहा है। ऐसे में अधिकतर श्रद्धालुओं के मन में एक भय रहता है कि कहीं गुरु करने के पश्चात हम फंसेंगे तो नहीं ना। तो इस विषय में आप क्या जानकारी देंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने आज के दिन में पूछा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है और समाज की यही स्थिति है। समाज में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि समाज में 80% जो गुरु है वो वास्तव में खरे गुरु नहीं होते हैं, वो ढोंगी होते हैं अथवा अनाधिकारी होते हैं, यानी आध्यात्मिक अधिकार नहीं रहता है उनके पास। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु को कैसे पहचाने इस विषय में विस्तार से मार्गदर्शन करते हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक संत उनके मार्गदर्शन हेतु आए हुए प्रत्येक व्यक्ति से उसका नाम और उम्र पूछते हैं। उत्तर मिलने पर कहते हैं दोनों उत्तर गलत है, नाम और आयु शरीर को लागू होते हैं, तुम तो आत्मा हो, उसके तो नाम और आयु दोनों नहीं होते हैं। फिर अध्यात्म पर बोलने लगते हैं और पूछते हैं साधना करते हो क्या? यदि किसी ने हाँ में उत्तर दिया तो पूछते हैं कौन सी? यदि उत्तर मिला तो गुरु द्वारा बताई गई, ऐसे अगर उत्तर दिया गया तो कहते हैं सामान्य प्रश्नों के उत्तर तुम नहीं दे पाते, फिर गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया है? इन प्रश्नों के उत्तर खरा गुरु ही दे सकता है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो ये उदाहरण मैंने आपको क्यों बताया? बताने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि इस प्रकार दूसरे गुरुओं के प्रति हीन भावना निर्माण करने वाले और अपनी श्रेष्ठता दिखाने वाले शिष्य का उद्धार क्या करेंगे? दास बोध जो समर्थ रामदास स्वामी ने लिखा हुआ है उसमें कहा गया है कि जो अद्वैत पर पांडित्यपूर्ण प्रवचन देता है परंतु विषयों के प्रति अति आसक्त है, ऐसे गुरु से कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। और एक उदाहरण बताता हूँ। एक गुरु स्वयं घड़ी का उपयोग नहीं करते थे और एक कारण बताते थे कि काल का और घड़ी के पट्टे का बंधन मुझे नहीं चाहिए, परंतु हर 15 मिनट के बाद वो दूसरों से पूछते थे कि कितने बजे हैं। तो ये आडंबर नहीं हुआ तो और क्या हुआ है? तो जिनमें गुरुपद की हवस है और जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रगति भी की होगी, वे ऐसे इसे ये साधना दे उसे वह साधना दे ऐसा करते रहते हैं। इससे साधना करने वालों की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, प्रगति नहीं होती है, परंतु वे स्वयं वही के वही रह जाते हैं। इस प्रकार जिनमें लोकेशना होती है, प्रसिद्धि की इच्छा होती है, वो गुरु नहीं हो सकते हैं। मतलब ये और एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। यदि शिष्य को स्वयं को ज्ञात सर्व ज्ञान अगर दे दिया तो स्वयं का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। इस भय के कारण भी कुछ गुरु अपने शिष्यों को सर्व ज्ञान नहीं देते हैं, ऐसे भी कुछ उदाहरण है। अब समर्थ रामदास स्वामी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने दासबोध में ऐसे ढोंगी लोगों का इनके बारे में लिखा है कि ऐसे ढोंगी कौड़ी के 3 मिले भी तो ठुकरा देने चाहिए, ऐसे स्पष्टता से उन्होंने बताया है। पर समाज के हर क्षेत्र में ऐसा ही है। हम थोड़ा सा समाज के दूसरे अंग की ओर जाते हैं। आप गुरु के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा दूसरे अंगों के बारे में भी बताना चाहूँगा। अब ये जो पाखंड है ये आज समाज में हर क्षेत्र में घुस चुका है। जैसे दूध वाले से लेकर मिलावट है, आज पाखंडी डॉक्टर भी समाज में मिलते हैं, अधिवक्ता हर क्षेत्र में आज लोगों को ठगने वाले भी बैठे हुए हैं। ऐसे भी कुछ अधिवक्ता हूँ, मैं सभी को नहीं कहता हूँ। ऐसे में धर्म का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है।
पर ठगे जा सकते हैं, इस भय से हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं। यदि कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास तो फिर भी जाते हैं, यदि किसी को न्यायिक क्षेत्र में कुछ कार्य है तो अधिवक्ता के पास फिर भी जाते ही हैं। वैसे ही धर्म के क्षेत्र में आडंबर है, इसलिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे कहना बहुत गलत है। ये समझना अत्यंत गलत है। जो सच्चे गुरु और ढोंगी गुरु हम पहचान सकते हैं, मतलब पहचानने की क्षमता है तो पहचान सकते हैं, इसकी जानकारी सभी को मिले, इसके लिए हमने पाखंडी साधु संत एवं महाराज एक ग्रंथ प्रकाशित किया है। तो इस धर्म संवाद में भी ये हम समझ कर लेने का प्रयास करेंगे। पूजनीय नीलेश जी, आज हम समाज में बहुत सारे संत देखते हैं, संतों की संख्या बहुत ही ज्यादा हुई है, तो ऐसे में सभी संत क्या गुरु होते हैं? अच्छा प्रश्न है। कुछ संत लोगों के व्यवहारिक अड़चनों के निवारण के लिए तथा बुरी शक्तियों के प्रभाव के कारण उन्हें होने वाले दुख के निवारण के लिए कार्य करते हैं, और ऐसे संतों का कार्य जो है वो वही कार्य होता है। कोई संत जब किसी साधक को शिष्य के रूप में स्वीकारते हैं तो उसके लिए भी गुरु बन जाते हैं। गुरु केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई संत गुरु बनकर कार्य करने लगते हैं तो भक्तों की संसार संबंधी अड़चनों से छुटकारा दिलाने हेतु उनका मार्गदर्शन करने की इच्छा ही उनमें धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर समाप्त ही हो जाती है। परंतु जब वे किसी को शिष्य के रूप में स्वीकारते हैं तब वे उनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उठाते हैं। प्रत्येक गुरु संत होते ही हैं, परंतु प्रत्येक संत गुरु नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि वे शिष्य की उन्नति के कार्य में लगे रहते हैं, जबकि संत कभी कभी भक्तों के सत्संबंधी कार्य भी करते हैं। तो फिर भी संत के अधिकांश लक्षण गुरु में होते ही हैं। जैसे कि हर गुरु संत होता है लेकिन हर संत गुरु नहीं होते, तो ऐसे में गुरु को हम कैसे पहचाने? एक उदाहरण से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसे डॉक्टर होते हैं, वैद्य, तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जो वैद्य नाड़ी देखकर औषधि ले लो ऐसी सलाह देकर चला जाता है, वह रोगी औषधि लेता है या नहीं इसकी पूछताछ नहीं करता है, वह है कनिष्ठ वैद्य। जो वैद्य रोगी को औषधि न लेते हुए देखता है और दवाई लेने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और ऐसे अलग अलग प्रकार से मृदु भाषा से बोलकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, वो हुआ मध्यम वैद्य। और जो वैद्य रोगी को किसी भी प्रकार औषधि न लेते हुए देखते हैं और उसे किसी न किसी प्रकार से या उसके सामने घुटने टिका कर भी जबरदस्ती दवा खिलाते ही हैं, उसे उत्तम वैद्य कहते हैं। इसी प्रकार जो गुरु और आचार्य उपदेश देने के पश्चात शिष्य की पूछताछ नहीं करते, वे आचार्य अथवा गुरु कनिष्ठ होते हैं। शिष्य का उपदेश ग्रहण कर सके, यानी शिष्य उपदेश ग्रहण कर सके, उसका कल्याण हो, इस हेतु जो पुनः पुनः उसे समझाते हैं और उस पर प्रेम भी करते हैं, वे हुए मध्यम गुरु। परंतु शिष्य यदि योग्य ध्यान नहीं देता है अथवा अनुरूप आचरण नहीं करता है, ये देखने पर जो आचार्य और गुरु प्रसंग के अनुसार कभी कभी जोर जबरदस्ती से भी उसे ऐसा करने पर विवश करते हैं, साधना करने पर विवश करते हैं, वही आचार्य उत्तम होते हैं। अर्थात यह जोर जबरदस्ती स्थूल माध्यम के द्वारा नहीं होती है, परंतु सूक्ष्म के द्वारा की जाती है। इसी कारण सामान्य व्यक्ति की इन बातों को समझने की क्षमता नहीं होती है। संक्षेप रूप में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि गुरु वो हैं जो शिष्य को साधना बताते हैं, उसे साधना करवाते भी हैं
और उससे आध्यात्मिक अनुभूति भी देते हैं, वही गुरु होते हैं। दर्शकों, आपने अनेक जगहों पर या तो ये सुना होगा या तो पढ़ा होगा कि गुरु ईश्वर का रूप होता है। पूजनीय नीलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ने में और सुनने में आता है कि गुरु ये ईश्वर का रूप होता है, तो इसकी वास्तविकता क्या है ये भी आप हमें बताएं, और इसके पीछे शास्त्र क्या है ये भी हमें बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अध्यात्म शास्त्र ये कहता है कि गुरु ये ईश्वर का साकार रूप है और ईश्वर ये गुरु का निराकार रूप है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ कर लेने का प्रयास करेंगे। जैसे एक कोई बैंक होती है, अधिकोष होता है, तो उसकी अनेक शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है। ऐसे में दूर के मुख्य कार्यालय में जाकर पैसे जमा करना कष्टदायक हो सकता है, लेकिन बैंक के किसी भी स्थानीय शाखा में खाता खोलकर पैसे जमा करने से हमारा काम तो हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब ईश्वर जो दिखाई नहीं देते, उनके प्रति भाव, भक्ति, सेवा, त्याग इत्यादि करने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। इसके स्थान पर उनके सगुण रूप के यानी गुरु के प्रति यह सब करना बहुत आसान है। जैसे स्थानीय शाखा में जमा की गई राशि, धनराशि बैंक के मुख्य कार्यालय में चली जाती है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने से वह ईश्वर तक पहुंच जाती है। और एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, वामन पंडित का। ये बहुत प्रचलित उदाहरण भी है, इससे गुरु का महत्व समझ में आ जाएगा। वामन पंडित ने संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए बड़े बड़े विद्वानों से वैचारिक प्रतिवाद किया, उन्हें पराजित किया और उनसे पराजय पत्र भी लिखवा कर लाए। एक बार संध्याकाल में सारे विजय पत्र साथ में लेकर जाते हुए एक वृक्ष के नीचे वो संध्या करने के लिए बैठे। उसी समय उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस भी बैठा हुआ था, उनको दिखाई दिया, और एक अन्य ब्रह्म राक्षस भी वहां पर बैठा हुआ था। तो पहले ब्रह्म राक्षस ने उसे रोक कर कहा कि यह स्थान वामन पंडित जी का है, क्योंकि आप वहाँ पर मत बैठिए, क्योंकि उन्हें अपने विजय का बहुत अहंकार हो चुका है। तो ये जब वामन पंडित जी ने सुना तो उन्होंने सारे विजय पत्र फाड़ दिए और तपश्चर्या के लिए हिमालय में निकल पड़े। कई वर्ष तपश्चर्या के बाद जब उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो निराश होकर उन्होंने चट्टान से नीचे कूदने का प्रयास किया, कूद पड़े। उसी क्षण ईश्वर ने उन्हें थाम लिया और उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और उसके पश्चात उनके बीच और ईश्वर के बीच जो संवाद हुआ, संभाषण हुआ। पंडित ने पूछा, मस्तक पर बायां हाथ क्यों रखा, दाहिना क्यों नहीं रखा? ईश्वर ने कहा, वो मेरा अधिकार नहीं है, वो अधिकार गुरु का है। पंडित ने पूछा, गुरु कहाँ मिलेंगे? ईश्वर ने कहा, सज्जनगढ़ पर मिलेंगे आपको। उसके उपरांत वामन पंडित समर्थ रामदास स्वामी जी के दर्शन के लिए सज्जनगढ़ गए। समर्थ ने उनकी पीठ पर दाहिना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो पंडित जी ने पूछा कि मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो रामदास स्वामी ने कहा, अरे ईश्वर ने हाथ तो रखा है ना आपके ऊपर। तो पंडित ने फिर पूछा कि फिर ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मस्तक पर हाथ रखने का अधिकार गुरु का है? तो उस समय समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर का दाहिना और बायां हाथ एक ही है, ईश्वर और गुरु एक ही है, तो ये समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? तो ऐसा प्रश्न समर्थ रामदास स्वामी जी ने पंडित जी से पूछा। और एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, आदि शंकराचार्य, उन्होंने अपने ग्रंथ सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ये कहा है कि सैकड़ों जन्म सात्विक श्रद्धायुक्त वैदिक पद्धति और विधि पूर्वक जब भक्त ईश्वर की उत्तम आराधना करता है, तब कहीं जाकर किसी जन्म में प्रभु अर्थात शंकर संतुष्ट होकर साक्षात गुरु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी उसके जीवन में आते हैं। फिर वो उत्तम प्रकार का तत्व बोध देकर संसार रूपी दुख सागर से उस शिष्य का उद्धार करते हैं।
इसी ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि शिव अर्थात साक्षात गुरु और गुरु स्वयं शिव है। मुमुक्षु को उन दोनों को किंचित मात्र भी भिन्न नहीं समझना चाहिए। दर्शकों, पूरे विश्व में गुरु शिष्य परंपरा हम केवल भारत में ही देख सकते हैं, और भारत भूमि की और एक विशेषता है कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के रूप में भगवान अवतरित हुए। तो हम आपसे पूजनीय नीलेश जी ये जानना चाहते हैं कि जब प्रत्यक्ष भगवान यहाँ अवतरित हुए, भगवान श्री राम के रूप में या भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो ऐसे समय भी उन्होंने गुरु के शरण में गए, यानी गुरु के ग्रह में जाकर वो रहे, तो इसके पीछे का शास्त्र क्या है या इसका क्या कारण था, ये हमें बताएं। जैसे आपने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा ये हमारी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, और गुरु का कार्य अधिकतर दो चार शिष्यों के संदर्भ में ही होता है। तो दूसरी ओर अवतार का जो कार्य है वो साधारणतः समाज के संरक्षण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए होता है। मानव देह धारण करने वाले राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये जो अवतार थे, इन्होंने भी गुरु के यहाँ जाके अपने गुरु के आश्रम में जाके वहाँ पर रहे, और उन्होंने गुरु सेवा की और गुरु की कृपा भी संपादन की। इन सब का अभिप्राय दूसरों को सिखाने का ही होता है, यानी हमारे अवतारों ने भी हमें सीख दी है कि गुरु शिष्य परंपरा कितनी महान है और गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है, और उसको स्वीकार कर अपने जीवन में गुरु कृपा प्राप्त करना और गुरु कृपा से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करवाना ये कितना आवश्यक है, ये हमारे लिए हमारे सभी अवतारों ने भी सिखाया हुआ है। दर्शकों, आज गुरु के विषय में जनसामान्य के मन में जो प्रश्न रहते हैं वह हमने समझ के लिए हैं। यह श्रृंखला ऐसी ही जारी रहेगी। कल के धर्म संवाद में गुरु से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों का भी हम उत्तर जानकर लेंगे। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी, आपने हम सभी के और हमारे सभी दर्शकों के मन के विविध शंकाएं आज निश्चित रूप से शंकाओं का समाधान किया होगा। सभी दर्शकों से एक नम्र निवेदन है, आज का यह कार्यक्रम देखते हुए आपके मन में अन्य शंकाएं या प्रश्न भी जरूर निर्माण हुए होंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके मन के सभी प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक पहुंचाएं, और यह प्रश्न लिखते समय आप अपना स्वयं का नाम, आप जिस गांव या शहर के हैं, जिस राज्य के हैं, वह अवश्य लिखें, और यदि संभव हो तो आप अपना संपर्क सूत्र यानी आपका भ्रमण पास मोबाइल क्रमांक भी लिखने का प्रयास करें। हम सभी दर्शकों से आवाहन करते हैं कि इस धर्म संवाद की भांति सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति ने अन्य भी फेसबुक लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। उन सभी कार्यक्रमों का आप सपरिवार लाभ लें। प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे नाम सत्संग यानी नामजप सत्संग का आयोजन होता है। इस नामजप सत्संग में नामजप के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है, और नाम मंत्र इत्यादि के विषय में सभी दर्शकों की शंकाओं का समाधान भी किया जाता है। इस नाम सत्संग का पुनर्प्रसारण प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे किया जाता है। इसी के साथ आज की जो पूरे भारतवर्ष में जो छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए बाल संस्कार वर्ग, यह भी प्रतिदिन हम लोग सुबह 11:15 पर दिखाते हैं, और इसका भी फेसबुक लाइव और यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण किया जाता है। साथ ही साथ दोपहर में 2:30 बजे भाव सत्संग का आयोजन होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जहां भाव है वहां भगवान है। तो भाव निर्मिति कैसे हो, हम सतत से भाव की अवस्था में कैसे रहें, इसके लिए प्रयास क्या करें, इस विषय में विस्तृत जानकारी इस भाव सत्संग में दी जाती है, और सभी दर्शकों के भाव से संबंधित शंकाओं का वहाँ पर समाधान किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी सत्संगों का अवश्य लाभ लें। इसी के साथ आज का यह धर्म संवाद
कार्यक्रम को हम यही समापन करते हैं। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का यह धर्म संवाद विशेष कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।